जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के लिए अपार समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को फिर से हासिल करने में सफल होना है। ब्लिंकन ने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बियरबॉक के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एंजी ने भारत में प्रस्तावित अपने व्यापार मिशन को स्थगित करने का फैसला किया है। कनाडाई मिशन को अगले महीने भारत आना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजा घटनाक्रम नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद सामने आया है। पूरी दुनिया सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के मामले में चीन पर निर्भरता खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की इस इच्छा को भारत के लिए एक संकल्प में बदलते हुए देश को चिप निर्माता महाशक्ति बनाने को महत्वाकांक्षी अभियान बना दिया है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के गडूल कोकेर नाग में चौथे दिन शनिवार को भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। इस बीच एक आतंकी को मार गिराया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने ISIS कट्टरपंथ और भर्ती मामले में तमिलनाडु और तेलंगाना में 30 स्थानों पर छापेमारी की। कोयंबटूर में 21 स्थानों, चेन्नई में 3 स्थानों, हैदराबाद साइबराबाद में 5 स्थानों और तेनकासी में 1 स्थान पर छापेमारी चल रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। थाना बरमाना में पुलिस रिमांड पर भेजा गया चोरी का आरोपी जेल से फरार हो गया। पुलिस आरोपी को खाना खिलाने के बाद वापस हवालात ले जा रही थी, तभी आरोपी ने कांस्टेबल को धक्का दिया और वहां से भाग गया। प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिपो में सस्ता सरसों और रिफाइंड तेल मिल सकता है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने तेल के टेंडर के लिए कंपनियों से सैंपल मांगे हैं। शुक्रवार को सैंपल जमा करने की अंतिम तारीख थी। एशिया की सबसे पहली रोपवे पर दौड़ने वाली हेरिटेज ट्रॉली पर रोमांच के सफर को लेकर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। शानन विद्युत परियोजना प्रबंधन ने अंग्रेजों की तरफ से निर्मित ट्रॉली के आधारभूत ढांचे में बदलाव करने को लेकर पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए रोमांच का सफर नहीं होगा। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की। कश्मीर के अनंतनाग के गडूल कोकेर नाग में आतंकियों के साथ चार दिन से जारी मुठभेड़ में शुक्रवार को आतंकियों की गोली लगने से घायल एक और जवान शहीद हो गया। गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान यदि यमुना में मूर्ति विसर्जन किया तो 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हरियाणा पुलिस ने नूह हिंसा में 31 जुलाई को हिंसा फैलाने के आरोप में गुरुवार देर रात राजस्थान के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। अब कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 600 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की और शुल्क भुगतान करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। आवेदकों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।